सच सिर्फ हम दिखाते हैं। भाई यो छोरा पिछले 3 दिन तक ना बेटा मयंक नाम है संगीत आया है और पिछले 3 दिन तक रोज आवा था। जिस दिन हमने मुंडन कराया उस दिन भी भाज गया था। यो आज साइकिल पाया संगीत है आके मेरा मुंडन करो ना तो मैं जाऊंगा नहीं। तो मेरे भाई इस छोरे की भावना, ये 14-15 साल का छोरा है लेकिन इसकी भावना है अक जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जयंती नहीं मनान दिया गया ना उस चीज तो छोरा आत है। एक ला रहा कति कोई नहीं इसकी कहने साइकिल पाया है। बेटा क्यों आया तू बता के मामला है। नमस्ते सबको, मेरा नाम मयंक है, मैं सांगी गांव से हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ जो कटर जी ने हमारे दादा परशुराम जी की जो जन्म महोत्सव था उस पे जो रोकथाम लगाई थी उसके विरोध पे मैं आया हूँ। मेरी कई दिन 3 दिन से जिद थी कि नवीन भाई मेरे मुंडन करें लेकिन ये कर नहीं रहे थे। तो आज मैंने ये कह दिया कि मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। तो आज नवीन भाई अपने हाथों से मेरा मुंडन कर रहे हैं। हमारी बागाओं को बहुत बुरी ठेस पहुंची है। हम बहुत मनाना चाह रहे थे, बहुत उत्साह से मनाना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने रोक लगा दी। हमारी आत्मा रोई है, बहुत दुख हो रहा है। बेटा कोई बात नहीं, 21 तारीख की तैयारी करिए। दुख ने मैं अपना मुंडन करवाऊंगा और अपने 21 दोस्तों का भी मुंडन कराऊंगा। किसी पूरी तैयारी करने बेटा रे, इतनी बात मान लिए देख लिए कति लाऊंगा ठीक है ना। तेरे मम्मी पापा तो सोम नहीं आओगे ना, कति नहीं आओ है। पूछ कहा था? हाँ ये क्या कहा था? नवीन जैन दौर जाऊ समर्थन देने विरोध करूंगा। तेरे ले जा। अच्छा आऊंगे। ये नाम बेटा पापा का? मिस्टर नरेश कुमार। मम्मी का? प्रीति। खेल लग रहा है? ये खेल आ रहा है जूडो। जूडो, अरे वाह। तेरे कितने देखी है देरा के ऊपर पटा था नहीं बता रहा है। मैं भी आया था उस दिन। अच्छा लेकिन उस दिन वो हो गया, कैंसल हो गया। तब जैसे घर पे तो चला गया मैं लेकिन मेरा मुंडन नहीं हुआ है। तब से मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा इन बालों को मैं संजो कर रखूंगा, इन बालों को मैं अपने पास ही रखूंगा संजोड़ कर। हाँ ये फेंकने नहीं है बेटा। हाँ ये कति अरना भगवान परशुराम को भोलेनाथ की कथा पढ़नी है ठीक है? पढ़ेंगे और पढ़ते हैं। जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखिए, बस नशे से दूर रहना है मेरे बच्चे ठीक है। नशा नहीं करना है, मेहनत करनी है, खेलना कूदना है और पढ़ना है ठीक है ना। और लड़ना नहीं है, लड़ना है तो किसके साथ? सिस्टम के साथ और सरकारों के साथ। आपस में नहीं लड़ना कभी ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि नशा नहीं करेगा, पढ़ूंगा लिखूंगा, खेलेगा कूदेगा, सिस्टम के साथ लड़ूंगा, आपस में नहीं लड़ेंगे। हाँ बस
इस चीज का ध्यान रखना है, इसीलिए मुंडन करा मैंने तेरा। देख ले पहले कह दी थी सारी चीज, इन्हें याद रखी है जिंदगी में। मेहनत करनी है रोज 2 घंटे कम से कम, ठीक है। आपस में कभी नहीं लड़ना, सब भाईचारा बना के रखना बेटा, है ना। और ये इन बालों को ना जिंदगी भर अपने पास रखना, तुम्हें कभी भी ये याद रखेंगे, याद दिलाएंगे। अरे भाई ये छोरा 15 साल का रे, या देखियो सिर्फ 15 साल का छोरा सिर्फ। अरे इस छोरे गए इतनी इस चीज की दर्द होया है, भावनाएं बेचारे की हाट हुई हैं, और इसके लिए तो भाई ये लक्षण होते हैं संस्कारों के संघर्ष के। ऐसे ऐसे बालक जिस जो माँ बाप हो ना, इसे इसे बालक पैदा हो ना, तो क्या है गिवी वाणी होती है बेटा, तू सामान्य बच्चा नहीं है मेरे बेटे, ठीक है ना। और तन्ने इस चीज ने याद रखिया के थे, अब जिंदगी में बहुत अच्छे काम करने हैं, लोगों की सेवा करनी है मयंक के, ठीक है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना बेटा, ठीक है। किसी गरीब आदमी की गल्ला गलत नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए, है ना। कोई गरीब आदमी हो, कोई कमजोर आदमी हो, उनका साथ देना है। असली भगवान परशुराम का चेला मेरा कौन है बेटा? असली भगवान परशुराम का चेला है जो गरीबों का साथ दे बेटा, और जो गरीबों के लिए कमजोरों के लिए लड़ाई लड़े, समझा, उसको बोलते हैं भगवान परशुराम का, भोलेनाथ का असली चेला, है ना। और जो अपने हकों के लिए लड़े, जो दूसरों के अपने समाज के लिए जो लड़े, क्योंकि जो आप अपने हकों के लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरों के लिए क्यों लड़ लोगे, नहीं ना। तो इसलिए पूरी ताकत से जो मैंने बात कही है, अगर इन बातों ने अमल करेगा तो बेटा असली भगवान परशुराम का चेला कहलाऊंगा, है। और ऐसे ही लोगों में जागरूकता फैलानी है, समझ गया। हाँ, इस चीज का ध्यान रही है भाई। छोरा देख लो, 14-15 साल का छोरा है मयंक, और इस छोरे का जो 3-4 दिन तक चक्कर काटता था अड़े, ये है भावनाएं। ये सीएम साहब खट्टर साहब आप बताओ कहाँ कहाँ रोकोगे, कैसे रोक दोगे बताओ, इन भावनाओं को भी रोकोगे के, इन भावनाओं पर भी है? इन भावनाओं पर भी रोक लगा दोगे के, बताओ के ऊपर लाओगे है? नीचे में बड़ा थोड़ा इन भावनाओं पर कैसे रोक लगाओगे सिंह साहब, ये तो नहीं लगा पाओगे ना। तेज बोल जय परशुराम, जय परशुराम, बोल जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बोल जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। 21 तारीख ने सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, 36 बिरादरी के सारे भाई आ जाओ 21 तारीख ने। हाँ, ये सारे इकट्ठे कर ले जाए बेटा, और इसने ना अपनी संदूक में धरिए बेटा, पैक करके इसी जगह रखिए। 100 साल जीवे मेरा भाई, मेरा छोटा बेटा भाई है, 100 साल जीवे, अपने दौरे रखिए, कदे तने काम करेगा कुछ है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, शाबाश। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।